हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे। तो आज था 11 अगस्त 2020, बिल्कुल ही मन नहीं था वीडियो बनाने का। तो सुबह आ गया के घर पे, तो उसने कहा कि यार तेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा, एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी। तो बिल्कुल ही मन नहीं था। तो इससे पहले मन इसलिए नहीं था, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 4-5 ट्रिप बना दी हैं दौलागढ़ गोविंदपुर के ऊपर। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था। तो वैसे मन किया वो अंदर से कि यार जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर कौन सा है, राधा जी का मंदिर है अपना, कृष्ण जी का। तो सोचा यार वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग भी उसको देख लोगे। तो इसीलिए तो आज जाते हैं गोविंदपुर। तो अभी हैं हम बुरसिया के पुल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये बुरसिया का एक ये रोड चले गया रानीखेत के लिए और हम जाएंगे गोविंदपुर को। तो ये आ गई दौलागढ़ वाली रोड। तो हम दौलागढ़ पहुंचने वाले हैं, जस्ट दौलागढ़ में एंटर हुए हैं अभी। तो आप देख सकते हैं नेचर मिले या ना मिले, लेकिन उत्तराखंड में जो नेचर है, जो व्यू है सामने के साइड में आप देख रहे होंगे, तो आपको बहुत ही कम ही देखने को मिले होंगे। जैसे कि उत्तराखंड में, तो आप जैसे कि उत्तराखंड आते हो तो उत्तराखंड में आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, टेम्पल मिल जाएंगे, घूमने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगे आपको। तो आप कभी भी उत्तराखंड आओ तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कभी भी कमेंट कर देना, और कभी भी मैं आपसे मिल लूँगा तो मैं आपको उस जगह के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जगह कहाँ पर है और कैसी जगह है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, होटल के बारे में बता सकता हूँ, रूम के बारे में बता सकता हूँ। तो अभी हम हैं दौलागढ़, जो कि हमारी एक मार्केट है, लोकल मार्केट। तो अभी हम एंटर हो गए हैं दौलागढ़ की मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की उतनी रौनक नहीं है। और रौनक इसलिए नहीं है, आपको पता ही है कि कोरोना का जो ये कहर हमारे जो देश में आया हुआ है, तो उस चीज़ से लोग बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और घरों से ज़्यादातर बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में भी पहले बहुत कम केस थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके उत्तराखंड में भी ज़्यादा केस कोरोना के मिल रहे हैं, बहुत से बंदे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता ही है गाइस, क्योंकि पूरे इंडिया में, और आपको पता ही है कि लाखों करोड़ों के ऊपर काफ़ी केस यहाँ पे सामने को आ रहे हैं, आपको पता ही है। उत्तराखंड में काफ़ी कम थे, तो आप धीरे धीरे करके यहाँ पे उत्तराखंड में भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को एडवाइस देता हूँ हर वीडियो में, इस वीडियो में भी दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस अपना ख्याल रखें। तो कहीं जाइए मत, ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि इसीलिए मैं भी कम आ रहा हूँ वीडियो पे, कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ट्रैवल काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रैवलिंग में गाइस, क्योंकि आजकल आपको पता ही है, क्योंकि पहाड़ में तो ना के बराबर ही केस है अभी, फिर भी है थोड़े से, तो फिर भी पहाड़ों में उतना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक आपको यहाँ पे एक आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादातर लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और काम से अपना काम निपटाया सीधा घर आ गए। तो यहाँ ज़्यादातर जो बंदे हैं, तो किसी ने अपनी गाय चरानी है, बकरियाँ चरा रही हैं, तो खाली जंगलों में आते हैं और चराए अपना घर पर चले गए। तो दिक्कत गाइस उन लोगों के लिए हैं जो कि प्लेन्स में रहते हैं, जो कि बाहर रहते हैं। कहने का मतलब गाइस बस यही है कि आप शॉपिंग करते हैं या मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आजकल आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग करने या कहीं मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाने जा रहे हैं, या बाहर अपने काम से जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपना काम जो आपका ज़रूरी है वो चीज़ें आप निपटाइए। और ज़्यादातर आप उन जगह में आप कमी जाइए, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, PVR हो गया, मॉल हो गया, इन चीज़ों में आप कमी जाए तो बेटर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस बाहर से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी केयर रखनी है, अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का ख्याल रखना है। तो लीजिए गाइस, तो पहुंच गए हैं यहाँ पे गोविंदपुर। तो यहाँ से कुछ ही नीचे मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। तो बिक्की पहुंच गया है आगे मुझसे पहले। तो लीजिए आगे हैं मंदिर के पास, श्री राधे कृष्ण मंदिर, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ चल रहे थे कीर्तन भजन सॉन्ग चल रहे थे, तो उसके वजह से तो यहाँ पे आ सकता था मेरे चैनल पे स्ट्राइक कॉपीराइट की, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड जो साउंड है वो मैंने बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत टेंपल मंदिर जो आप देख रहे हैं यहाँ का गोविंदपुर में। आज सुबह से उतनी धूप भी नहीं है, और प्यारे प्यारे मलका जो ये है मौसम है,
तो आप देख सकते हैं सामने की साइड में, और बादल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मंदिर है तो काफ़ी यहाँ पे सफाई वगैरह हो रही है, तो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लोग भजन के जो सॉन्ग चल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनका लुत्फ़ मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो कर देना एक प्यारा सा लाइक, कर देना कमेंट, वीडियो अच्छी लगी तो कर देना शेयर। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बगल में बेल आइकन है तो वो दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी गाइस मेहनत मेरी, प्यार आपका, मिलूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you.